जेजी 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 हाँ अबे जेजी YouTube बैन हो गया। तो हमारे पास एंटरटेनमेंट की सोर्सेस क्या बची हैं अब? ब्रो एंटरटेनमेंट ब्रो हम खाने पे बाहर जा सकते हैं ना। अरे यार कोरोना की वजह से वैसे हमें घर में खाना पड़ रहा है, डाइनिंग तो सारे बंद हैं, तो हमारी कौन सी आउटिंग हो रही है? खाना तो घर पे ही खा रहे हैं, बस टेक अवे है या डिलीवरी है, तो हम बाहर कौन से जा रहे हैं, घर पे ही तो खा रहे हैं। हाँ ये तो है ब्रो, मॉल जा सकते हैं ना, हम मॉल चलते हैं। मॉल कौन जाता है अब यार, टाइम वेस्ट है मॉल, अब मतलब अब सारी शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है, वैसे भी फूड कोर्ट्स भी बंद है, आप बैठ के खा थोड़ी सकते हैं, आप वहाँ पर खा रहे हो वो गार्ड आ जाएंगे, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, भाई क्या है मॉल में करने को। ब्रो तो एक काम करते हैं ना, सी व्यू चलते हैं ब्रो। यार तुम्हें नहीं पता सी व्यू का रोड बंद है, वहाँ पर उन्होंने ट्रेलर लगाए हुए वो सब बंद कर दिया, वहाँ पर हम कैसे जाएंगे, वहाँ पर अगर चले भी जाएं हम लोग वहाँ क्या वेव्स देखते रहेंगे, लहरें देखेंगे, पानी को देखते रहेंगे, सिर्फ ये एंटरटेनमेंट बच गई है। ब्रो व्हीली मारते हैं ना मोटर स्पोर्ट्स कराची में, मतलब मजाक कर रहे हो, यहाँ तो तुम बदले लॉन्डो ने व्हीली मार मार के हमने टांगे तोड़ी हैं, और तुमने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, रोड्स कहाँ बनी रेसिंग करने के लिए, हर जगह खड्डे बने हुए हैं या पानी जमा होता है, तुम कहाँ एंटरटेनमेंट कहाँ हो सकती है इस तरह की, यहाँ पे नहीं हो सकता ना। यूट्यूब तो बैन होने वाले हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें? तो इसलिए YouTube को नहीं बैन होना चाहिए, जब तक आपके पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप एक चीज को क्यों बैन कर रहे हो, और मतलब कोई तुक ही नहीं बनती बैन करने की, क्योंकि हर जगह बुरे लोग भी होते हैं अच्छे लोग भी होते हैं, अगर बुरे लोग हैं तो उनकी वजह से एक चीज बैन करने के लिए अच्छे लोगों का क्या कसूर है उसमें, उन्होंने क्या गलत किया है, तो भाई आप जो गलत लोग हैं उनको पकड़ो, और पूरे लोगों को सफर नहीं करना चाहिए इसकी वजह से। अरे हाँ यार बात तो सही कह रहे हो। अब मैं तुम्हें इसका एक मिसाल देता हूँ, देखो मॉल में आपके पास 200 शॉप्स हैं, अब 200 शॉप में से एक शॉप फ्रॉड कर रहा है लोगों से, तो आप पूरा मॉल बंद कर दोगे, जो 199 शॉप्स हैं उनका क्या कसूर है एक बंदे की वजह से, तो भाई आप वो एक बंदे को पकड़ो, आप पूरे सोसाइटी को बंद थोड़ी करोगे, मतलब ये कोई लॉजिक ही नहीं है ना। हाँ भाई सिंपल बात ये है, हर मसले का हल बैन नहीं होता भाई, आप रेगुलेट कर सकते हो बट बैन नहीं करो यार, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, साफ बात। रेगुलेट होना चाहिए ब्रो, बैन नहीं होना चाहिए। ट्रू। वेलकम टू कराची बॉय, वेलकम टू कराची बॉय, वेलकम टू कराची बॉय, वेलकम टू कराची बॉय, वेलकम टू कराची बॉय।